अर्शु, तूने मुझे हमेशा मानव की अच्छाई बताने की कोशिश की, लेकिन मैंने तेरी बात कभी नहीं मानी। मुझे माफ कर दे। ताई, प्लीज ताई। नहीं वर्षा, मैं सच कह रही हूँ। आज मुझे अपने आप पे बहुत शर्म आ रही। क्या मेरा पैर इतना कमजोर था कि मैं मानव? ताई प्लीज, छोड़ अब सब कुछ, जो हुआ उसे भूल जा। अब आगे की सोच। तू अपने जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रही है। हो सकता है सफर मुश्किल हो, लेकिन ताई तुझे वो तय करना है, अपनी मंजिल को पाना है। और इस सफर में मैं और वैशु हमेशा तेरे साथ हैं। ताई, ताई हम जानते हैं हालात बदलेंगे, जीजू तुझे जरूर अपनाएंगे। तुम दोनों में सुलह होगी और तुम्हारी फिर से एक बार गृहस्थी शुरू होगी। ताई बाप्पा तेरे साथ है और वो तुम दोनों को मिलवा कर रहेंगे। ताई, तेरा बैग भी पैक है। ऑल द बेस्ट। नहीं जा रही अर्जु। आई मुझे जाने दे। कैसे जाने दूं तुझे? हाँ, मैं आई हूं तेरी, जन्म दिया है मैंने तुझे, इस तरह मरने के लिए छोड़ नहीं सकती तुझे। आई मुझे कुछ नहीं होगा। ये तू कह रही है? तू जानती है ना वहां सविता जी तुझे? अरे इस तरह वहां जाना समझदारी की बात नहीं है अर्जु। माना कि मानव बेकसूर है, उस पर शक करके हमने गलती की है, लेकिन गलती सुधारने का ये समय और ये तरीका सही नहीं है अर्जुन। और वहां जाकर तुझे कुछ नहीं हासिल होने वाला। आई मैं वहां कुछ हासिल करने नहीं जा रही, मैं वहां अपनी गलती का प्रायश्चित करने जा रही। मुझे मत रोक, मुझे जाने दे। आई तुझे मानव की आई का डर है ना, तू मुझे उनके कहर से बचाना चाहती है ना, लेकिन तुझे पता है अगर मैं यहाँ भी रही ना तो भी मैं मर जाऊंगी। भाई मानव के साथ जो मैंने अन्याय किया है उसका दर्द मुझे जीने नहीं देगा। मुझे मत रोक आई। अर्जु, अरे तू समझने की कोशिश कर रहा, उस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं। आई मैं घर की चौखट के बाहर रह लूंगी। अरे वो तेरी सास तुझे। आई तू हमेशा कहती है ना, औरत माता पिता के घर जन्म लेते हुए शोभा देती है और पति के घर मरते हुए शोभा देती है। इसलिए अगर अगर मेरी मौत भी आ जाए ना तो मुझे मंजूर है, मेरा ये अधिकार मुझसे मत छीना, मुझे जाने दे। आई अरे इसके सहारे रहेगी तू? हाँ मानव तुझसे नफरत करता है अर्जुन। भगवान ना करे लेकिन अगर कल तुम्हारे साथ कुछ ऊंच नीच हो गई तो वो तेरी मदद करने के लिए नहीं आएगा। किसके लिए जा रही है? अपने आप के लिए। मैं जानती हूँ कि मानव मुझसे नफरत करते, लेकिन इसमें उनकी भी तो गलती नहीं है ना। आई वो अपने हिस्से का प्यार कर चुके हैं और मैं अपने हिस्से की नफरत, लेकिन अब नफरत करने की बारी उनकी और प्यार करने की बारी मेरी। आई मानव मेरी जिंदगी से जुड़े हुए। ये सिर्फ बोलने और कहने की बातें अर्जुन, नफरत के सहारे जिंदगी नहीं काटी जाती। जिंदगी गुजारने के लिए प्यार करने वाला इंसान चाहिए, आपकी हंसी बांटने वाला, आपके आंसू पोंछने वाला, और वो तुझे उस घर में कोई नहीं मिलने वाला। तो समझने की कोशिश कर अर्जुन,
अरे क्यों उस नरक में वापस जा रही है? ये जिद छोड़ देना अर्जु। भाई मैं चलती हूँ। अर्जु, अर्जु बेटी मत जा तू, मत जा। अर्जु तू समझती क्यों नहीं है? हम सब तेरी भलाई के लिए बोल रहे हैं। दादा, रिश्ते बनाने के लिए हमें उनके भले के बारे में भी सोचना होगा, ना ही सिर्फ हमारे भले के बारे में सोचना चाहिए। बस बहुत हो चुका, बहुत बोल चुकी तू। इसके बाद मैं बोलूंगी और तू सुनेगी, कहीं नहीं जाएगी तू। आई मुझे जाने दे, मुझे मत रो। आई मुझे तेरी बात काटना अच्छा नहीं लग रहा, और ना ही मुझे तुझे ना कहना अच्छा लग रहा। मैं भी देखती हूँ तू कैसे जाती है, और आज तेरा फैसला तय करेगा कि तेरे लिए क्या ज्यादा मायने रखता है, तेरी आई या तेरा पति। आज वो एक ऐसे इंसान के लिए जो उसे नफरत करता है, अपनी आई को छोड़कर जा रही है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी में ऐसा भी दिन देखना पड़ेगा। बहुत कुछ सहा है मैंने अपनी जिंदगी में, जिंदगी के हर मोड़ पर लड़ती आई हूँ, लेकिन फिर भी एक यकीन था कि भले ही सुलोचना नाम की औरत जिंदगी में हार जाए, लेकिन सुलोचना नाम की आई कभी नहीं हारेगी, उसके अर्जुन उसे कभी हारने नहीं देगी। लेकिन आज तुमने मुझे हरा दिया। इन हाथों ने तुझे कभी चलना सिखाया था, आज उन्हीं हाथों में इतनी ताकत ही नहीं रहेगी कि वो तुझे रोक सके। जिस अर्चना ने मेरे लिए पढ़ाई लिखाई छोड़ दी थी, वही अर्चना आज मुझे छोड़कर जा रही है। तू सही नहीं कर रही है अर्चना। मैं तुझे इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगी। अर्चू, अगर आदमी गलती से कुएं में गिर जाए ना, तो वो उसकी बदकिस्मती होती है, लेकिन जानबूझकर अगर कुएं में कूदे ना, तो वो उसकी बेवकूफी होती है, और वही तू आज करने जा रही है। अर्चू, तुझे कोई हक नहीं बनता है इस तरह अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने का, क्योंकि तेरी जिंदगी मेरी जिंदगी से जुड़ी हुई है। तुझे तो कोई परवाह ही नहीं है, तुझे तो परवाह सिर्फ मानव की है। अरे, जन्म से जुड़ी हुई अपनी आई को ठुकरा कर तुम कुछ दिन से जुड़े हुए मानव के पास जा रही है। आई मानव मेरे पति है। जानती हूँ मैं, शादी क्या होती है, सुहागन किसे कहते हैं, रिश्ते कैसे बनते हैं, कैसे निभाए जाते हैं, ये सब कुछ मैंने ही तो तुझे सिखाया, कुछ भूली नहीं हूं मैं। लेकिन इन सारी चीजों से भी मुझे अपनी बेटी की जिंदगी ज्यादा प्यारी है, तो इसमें कोई गलती नहीं है। हाँ, अगर कोई मुझे स्वार्थी कहना चाहता है तो कहे, मुझे उसकी परवाह नहीं है, लेकिन अपनी बेटी की जिंदगी की चिंता करना अगर स्वार्थी होना है तो ठीक है, मुझे मंजूर है। जो मैंने तुझे पहले भी कहा था कि भावनाओं में बहकर कोई भी गलत फैसला मत करना, और आज तू वही करने जा रही है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि तेरी आंखों पर जो पट्टी बंधी हुई है वो मानव के प्यार की है या फिर अपने पछतावे की है, लेकिन आज जो तू नहीं देख पा रही है ना, वो मैं देख पा रही हूँ। मैं देख पा रही हूँ कि उस घर में तेरी क्या हालत होने वाली है। मैं देख पा रही हूँ अर्जुन, आई तो तेरी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन मैं भी गलत नहीं हूं ना। माना कि
कि तूने मुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाया, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया था कि जब तूने मेरी उंगली छोड़ दी थी और मुझसे कहा था जा अर्जु, अब तुझे खुद चलना है, तुझे अपने पैरों पे खुद खड़े होना है, मेरी मंजिल तक मुझे खुद पहुंचना है, कहा था ना ही तूने। आज मैं अपनी जिंदगी के ऐसे ही मुकाम पर आकर खड़ी, जब बचपन में मैं गिरकर संभलती थी ना तो तुझे बहुत खुशी होती थी, आज भी तो मैं गिरकर संभली हूँ ना, लेकिन तेरे चेहरे से वो खुशी गायब है, क्यों आई? क्या तुझे तेरी तेरी अर्जु पर भरोसा नहीं रहा? उस घर में मेरे साथ क्या होगा, कैसे होगा, ये सब मैं जानती हूँ, लेकिन उसके बावजूद मैं वहां जाना चाहती हूँ, क्योंकि वहां मेरे मानव रहते हैं। वो कभी कहेंगे नहीं, लेकिन मैं जानती हूं कि उन्हें मेरी कितनी जरूरत है, नफरत करने के लिए क्यों ना सही, लेकिन उनकी अर्चना का उनके साथ होना बहुत जरूरी है। आई, आगे का रास्ता बहुत मुश्किल है, जो मुझे अकेले तय करना है, और उस रास्ते पर मैं अपना पहला कदम रख चुकी हूँ, और उससे मैं पीछे नहीं हट सकती। आई आई, एक बार तू मेरी जगह आकर सोच, फिर तुझे तुझे लगेगा कि तेरी अर्जु कहीं गलत ही नहीं है। आई, मैं तेरा दिल नहीं दुखाना चाहती, मुझे तेरा गुस्सा नहीं, तेरा आशीर्वाद चाहिए। मैं भी चलती हूँ तेरे साथ, तुझे चौल तक छोड़कर वापस चली आऊंगी। तूने रिक्शा यहाँ पर क्यों रोक दी? वर्षु, तेरा मेरा साथ यहीं तक का था, अब आगे का सफर मुझे अकेले तय करना है, तू यहीं से वापस घर चली जा। नहीं ताई, मैं नहीं जाऊंगी, तुझे उस घर की चौकट तक छोड़ूंगी और फिर ही जाऊंगी। वर्षु, ये इतना आसान नहीं है, और तू ये बात अच्छी तरीके से जानती, देख बात को समझ, ये मेरी अकेले की लड़ाई है, इसे अकेले ही लड़ने दे। मुझे जब भी तेरी जरूरत होगी ना,
मैं तुझे जोर से आवाज दूंगी। लेकिन ताई तू वर्षु, मैं जानती हूँ कि मुझे वहां देखने के बाद मानव के मुझ पे चिढ़ेंगी, नाराज होंगी, गुस्सा होंगी, अपने आपे के बाहर होकर न जाने वो मुझसे क्या क्या कहेंगी। और मैंने अपने आप को इन सारी बातों के लिए बना लिया। लेकिन मैं एक बात जानती कि अगर वो मेरा अपमान तेरे सामने करेंगी ना तो वो तू सह नहीं पाएगी। और पता नहीं तू गुस्से में आके उनसे क्या क्या कह देगी, और इससे हमें कुछ हासिल नहीं होगा। लेकिन ताई तू अकेले उस घर। मैं अकेली कहाँ हूँ? मेरे साथ तेरा, वैशु का प्यार, बाबा, दादा, आई, इन सबका आशीर्वाद, मेरे बप्पा की कृपा मेरे साथ। वर्षु तू ही चाहती थी ना कि मैं तेरे जीजू के घर वापस चली जाऊं, और आज मैं वही कर रही हूँ। तू मेरी चिंता बिल्कुल मत कर, मैं अपना ध्यान रखूंगी। वर्षु अब तू तेरे और सतीश जी के बारे में सोच। जब अपनी बहन का रिश्ता किसी अच्छे इंसान के साथ होता है ना तो बहुत खुशी मिलती है, और ये खुशी मैंने तुझे दी है। अब तेरी बारी है कि अब तू मुझे खुशी दे। चल, अब मैं चलती हूँ। वर्षु, मेरी बात सुन, अपना ख्याल रखना और आई बाबा का। सविता ताई, क्या? सविता ताई, तुम्हें इतने बसला है, तुम्हारी वो बहू है ना अर्चना, वो आई है सामान वामान लेकर। मुझे लगता है उसको तो यही डेरा डालना है अब। आ गई हो मनोज? नालायक, उसको देखती मैं जाके।